मैं आपको घर में रखे हुए बेसिक सामान से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बनाना बताती हूँ। कैसे बनाया जाता है इसे हम प्याज और आलू के साथ बनाएंगे, और प्याज और आलू तो सभी के घरों में होते ही हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए ये हमने दो मीडियम साइज की प्याज लिए जिसे हमने लंबे लंबे पीसों में काट लिया है, एक मीडियम साइज का कच्चा आलू जिसे हमने कद्दूकस करके पानी में डाल दिया है जिससे कि आलू काला ना पड़े। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने मिक्सिंग बाउल लिया है, अब हम प्याज को इसके अंदर डाल देते हैं और प्याज को इस तरीके से हाथ से खोल लेते हैं। ये हमने प्याज को खोल लिया है, जो हमने आलू लिया था उसका पानी हमने हाथ से दबा करके निकाल दिया है। अब हम आलू को भी इसके अंदर डाल देते हैं। आप चाहे तो आलू को कपड़े में डाल के दबा करके भी पानी निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इस नाश्ते को सिर्फ प्याज से भी बना सकते हैं, लेकिन आलू डाल के जब हम इस नाश्ते को बनाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनके तैयार होता है। ये हमने एक हरी मिर्च लिया वो डाल देते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। एक इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है वो डाल देते हैं। ये हमने 1/4 कप हरा धनिया लिया है वो डाल देते हैं। आधी टीस्पून जीरा, आधी टीस्पून लाल मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, नमक टेस्ट के अनुसार। अब हम सभी चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने नमक डाला है, नमक की वजह से आलू और प्याज भी अपना पानी छोड़ेंगे। अब ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ये हमने आधा कप चावल का आटा लिया है, इसमें से हम आधा आटा डाल देते हैं। और इसे मिक्स कर देते हैं। आप चावल के आटे की जगह सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल के आटा डालने से क्या होगी, एक तो ये क्रिस्पी बनेंगे, इसमें अच्छे से बाइंडिंग भी हो जाएगी। अब जो आटा बचा है उसे भी हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं। अब ये डो की तरह बन गया है, बस हमें इसी टाइप का डो चाहिए। चलिए हम नाश्ता बना लेते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं जिससे कि डो हाथ में चिपकेगा नहीं, और इसमें से हम थोड़ा सा डो हाथ में ले लेते हैं। आपको जितने बड़े साइज का नाश्ता बनाना है उतना डो आप ले लें। हम मीडियम साइज का बना रहे हैं तो हमने एक बड़े नींबू के बराबर का डो लिया है। हम इसे टिक्की का शेप देंगे, तो अब हम दूसरे हाथ पे इसको रख करके टिक्की का शेप दे देते और साइड से इसे एक सा कर लेते। देखिए टिक्की बनके तैयार हो गई है। इस तरीके से हम सभी टिक्की बना के तैयार कर लेंगे। ये हमने सभी टिक्कियां बना ली हैं। चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अब इधर ऑयल भी गर्म हो गया है। टिक्कियों को फ्राई करने के लिए हमें तेज गर्म ऑयल चाहिए। अब हम टिक्कियों को इसके अंदर डाल देते। कढ़ाई में जितनी टिक्कियां आएंगी उतनी टिक्कियां हम डाल देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। हम इन टिक्कियों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब ये हल्के गोल्डन कलर की हो जाएंगी। इसके बाद हम इनको पलटेंगे। अब ये टिक्कियां हल्के गोल्डन कलर की हो गई है, अब हम इनको पलट देते। इनको दूसरी तरफ से भी फ्राई होने देते हैं। जब ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर की फ्राई हो जाएंगी और क्रिस्पी हो जाएंगी, इसके बाद हम इनको निकालेंगे। अब ये टिक्कियां चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है और क्रिस्पी भी हो गई है, अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। ये एकदम फ्री है। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया फ्राई हुई है। अब जो टिक्कियां बची है हम उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। अब ये सभी सिक्के तैयार हो गए हैं। आप देख पा रहे कितना बढ़िया प्याज और आलू का नाश्ता बनके तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अब मैं इनको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने बढ़िया सिक्के तैयार हुए हैं। अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं। बने हैं ना कितने क्रिस्पी, और देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ।
देखिए अंदर तक कितने बढ़िया सिक्के हैं। हो रही है ना देखते ही खाने की इच्छा। आप इन्हें किसी भी हरी चटनी, टमाटो केचप आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये सभी के साथ खाने में टेस्टी लगते हैं। देखिए देखते ही हो रही है ना खाने की इच्छा। आप भी इनको बनाइए, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।